दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी ओसामा के किलर ने दी है ओसामा के कत्ल की गवाही। नेवी सील के कमांडो ने खोला है ओसामा की जिंदगी के आखिरी दो मिनट का राज। अपनी जिंदगी के आखिरी 120 सेकंड में ओसामा के साथ क्या हुआ था? ओसामा की खोपड़ी में किसने मारी तीन गोलियां? क्या ओसामा को चीखने तक का मौका नहीं मिला? ओसामा की आखिरी सांस के साथ कमरे में गूंजने वाली चीख किसकी थी? मरने से पहले ओसामा कैसा दिख रहा था? ओसामा ने कैसे अपनी बीवी को अपनी ढाल बनाया? पाकिस्तान के एबटाबाद में बने ओसामा के कंपाउंड की तीसरी मंजिल पर क्या चल रहा था उस रात? खूब अंधेरे के बावजूद कैसे मोस्ट वांटेड ओसामा अपने अंजाम तक पहुंचा? ओसामा 2 मई 2011 की रात 1 बजे के आसपास मारा गया था, लेकिन उसकी मौत का रहस्य आज भी बरकरार है। ओसामा को कैसे मारा गया, इसे लेकर तरह तरह की थ्योरी सामने आती रही है। कुछ महीने पहले ओसामा को मारने वाली नेवी सील टीम के एक कमांडो ने अपनी किताब में कई हैरतअंगेज खुलासे किए थे। नो इजी डे नाम की उस किताब में कहा गया था कि ओसामा की जान लेने वाली गोली नेवी सील कमांडोज ने नहीं मारी थी, वो पहले ही मौत के मुंह में पहुंचा हुआ था। यानी दो नेवी सील कमांडोज के बयान आपस में मिलते नहीं हैं। इससे ये रहस्य और गहरा गया है। ओसामा की मौत से जुड़ा कंफ्यूजन और बढ़ गया है। ओसामा की मौत की लेटेस्ट थ्योरी के मुताबिक उस दिन की कहानी एक लाइन में समझाई जा सकती है। 2 मिनट, 3 गोलियां, 1 सिर, 1 चीख। दुनिया के सबसे बड़े किलर की मौत का राज अब आपके सामने खुलने जा रहा है, क्योंकि खुद ओसामा के कातिल ने दिया है एक इंटरव्यू और कहा है, मैंने ओसामा को मारा। ओसामा बिन लादेन को मरे 1.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उसकी मौत बार बार सवालों के घेरे में आ जाती है। लादेन को मारने के ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर की जो जानकारियां अमेरिका दुनिया के सामने रखता रहा है, उन्हें उसकी ही नेवी सील की टीम के कमांडो छुड़लाते रहे हैं। अब एक ऐसा नेवी सील कमांडो दुनिया के सामने आया है जिसने एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा कि उसने ओसामा को मारा। ओसामा बिन लादेन को किसने मारा? अमेरिका के नेवी सील कमांडो ने या फिर खुद ओसामा की गार्ड ने? क्या ओसामा ने पहले ही खुद को खत्म करने के आदेश दिए हुए थे, या फिर नेवी सील कमांडोज ने उसे घेर कर मार डाला? ऐसे तमाम सवालों के जवाब एक नेवी सील कमांडो ने एस्क्वायर मैगजीन को एक इंटरव्यू में दिए हैं। नेवी सील कमांडो ने सुरक्षा कारणों से अपनी पहचान छुपाई है, लेकिन लादेन की मौत से जुड़ी हर जानकारी उसने दुनिया के सामने रखी है। ओसामा के कातिल को उसकी टीम की तरफ से कमांड आई कि ओसामा एबटाबाद के कंपाउंड में तीसरी मंजिल पर ही छिपा हुआ है। इसके बाद अपने साथियों के साथ वो धीरे धीरे ओसामा की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैंने ओसामा बिन लादेन को देखा और उस पर निशाना लगाने लगा, मेरा ध्यान उसके डील डॉल पर गया। वो 6 फीट 4 इंच लंबा था, उसके सिर पर बाल नहीं थे और अपने जारी किए जाने वाले वीडियोस के मुकाबले उसकी बहुत छोटी दाढ़ी थी। कमरे में अंधेरा था, हम उसे नाइट विजन की मदद से देख रहे थे। उसने अपनी बीवी को अपनी ढाल बनाया हुआ था। मुझे लग रहा था कि कहीं उन दोनों ने फिदाइन होने की तैयारी तो नहीं कर रखी, लेकिन इससे पहले कि वो पास रखी बंदूक तक पहुंचता, मैंने उसके सिर पर निशाना लगाकर तुरंत 2 गोली मार दी। जैसे ही वो गिरने लगा, मैंने उसके सिर पर ही 3री गोली भी मार दी। इसके बाद मैंने देखा कि उसकी जीप बाहर निकली हुई थी, वो हिल नहीं पा रहा था। मैंने ओसामा को उसकी आखिरी सांस लेते हुए देखा, वो कुछ बोल नहीं पाया। ये उसके आखिरी पल थे। जब मैंने ओसामा को उसकी आखिरी सांस छोड़ते हुए देखा, तो मुझे लगा कि शायद मैंने दुनिया का सबसे बेहतरीन काम किया था। ओसामा बिन लादेन के मरते ही उसी कमरे में मौजूद उसकी बीवी अमाल चीखती हुई मेरी तरफ दौड़ी। मैंने उसे काबू में लेकर बिस्तर में बांध दिया। तभी मेरी नजर ओसामा के 2 से 3 साल के बेटे पर पड़ी।
उसने ओसामा को मरते हुए देखा था। वो रो रहा था। उसे डरा हुआ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उसे उठाकर उसकी माँ के पास पहुंचा दिया। तीसरी मंजिल पर सब कुछ बहुत जल्दी हुआ और हमारा लादेन से सामना होने के 15 सेकंड के भीतर ही उसका काम तमाम हो चुका था। कुल मिलाकर इस तरह हुआ दुनिया के सबसे बड़े किलर ओसामा बिन लादेन का अंत। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ तबस्सुम जिया, जी न्यूज। ओसामा के किलर की कहानी तो आपने सुन ली, लेकिन लादेन की मौत का सच क्या है, इसे लेकर अब भी बहुत से सवाल बाकी हैं। वजह है दो नेवी सील कमांडो। एक कहता है कि जिंदा लादेन के सर में उसने 3 गोलियां मारी। दूसरा कहता है कि जब वो कमरे में पहुंचा तो लादेन तड़प रहा था और उसके सर में पहले से ही गोली लगी हुई थी। जाहिर है कि इन दोनों में से कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। एक तरफ अमेरिका के नेवी सील कमांडो मार्क ओवेन और दूसरी तरफ एक बेनाम नेवी सील कमांडो जो ओसामा को मारने वाली टीम का सदस्य था। दोनों के दावे अलग अलग हैं। मार्क ओवेन ने अपनी किताब नो इजी डे में लिखा था कि जब नेवी सील कमांडो ओसामा तक पहुंचे उस वक्त उसके सिर में पहले से ही गोली लगी हुई थी, जबकि दूसरे कमांडो के मुताबिक उसने खुद ओसामा के सिर में 3 गोलियां मारी। मार्क ओवेन ने अपनी किताब नो इजी डे में लिखा था कि नेवी सील्स की टीम घायल और निहत्ते ओसामा पर तब तक गोलियां चलाती रही जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। उसके कमरे से AK-47 और पिस्टल मिली थी जिसमें गोलियां नहीं थी, और ऑपरेशन 10-15 मिनट चला था। जबकि दूसरे कमांडो ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि लादेन का काम 15 सेकंड में तमाम हो गया था। टीम 6 जो लादेन को जिंदा या मुर्दा अपने कब्जे में लेने के लिए गई थी, उसने बकायदा अपनी अपनी पत्नियों को चिट्ठी लिखी थी। उन्हें ये लग रहा था कि वो इस मिशन में मारे जाएंगे, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका ने लादेन को मारने के ऑपरेशन के बारे में जो आधिकारिक जानकारियां दी थी उनमें कहा गया था कि ओसामा को मारने का ऑपरेशन 45 मिनट तक चला, यानी दोनों कमांडोज का एकदम अलग दावा। कुल मिलाकर ओसामा की मौत को लेकर जितने मुंह हैं उतनी ही बातें भी। कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं कि उस रात एबोटाबाद में क्या हुआ था। प्रायोजक हैं आप, किसे चुनेंगे, नसाका या बीमारियां?